प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज के इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिजली कंपनी में जो है 533 पदों पर जो है आंतरिक बहाली जो है यहां पे किया जाएगा। ये पटना का न्यूज़पेपर में दिया गया है, जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का ये अपडेट यहाँ पर दिया गया। बताया जा रहा है बिजली कंपनियों में 533 पदों पर आंतरिक बहाली होगी। इन पदों को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और एवं इनकी इसकी अनुसंगी कंपनियों में कार्यरत कर्मियों में से परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। यानी जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसको लेकर जो है 1 से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बताया कि आंतरिक बहाली को लेकर सहायक अभियंता के 58, जूनियर इंजीनियर के 214 और करेस्पोंडेंस क्लर्क के जो है आपका 150 पद आपके हैं। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता और अर्हता के अनुरूप पदों के लिए जो है आवेदन कर सकेंगे। जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, मतलब जो ऑलरेडी बिजली कंपनियां में काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पे जो है इनविटेशन दिया गया है। और आपको पता है कि 4016 पदों के लिए जो है कल तक जो है आवेदन करने का मौका दिया गया है। बताया गया है कि बिजली कंपनियों में जो है आपका 4016 पदों पर नियमित बहाली को लेकर ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर के तक लिया जाएगा, जो कि आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 15 अक्टूबर तक जो है आपको करना है। आवेदन के लिए जो है यहाँ पे लिंक आपको मिल गया है, ये लिंक पे जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास अभी भी 24 घंटा आपके पास है, आप इस बीचों में आप अपना आवेदन जो है कर सकते हैं। जो 4016 पद था उसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, सुनहरा अवसर, 1 अक्टूबर से आवेदन शुरू, 10वीं पास करें आवेदन, बिहार स्टेट पावर कंपनी में जो है 4016 पदों पर निकली भर्तियां। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अंतर्गत जो है 2610 पदों को भरा जाना था। इस भर्ती के लिए आवेदन की एक बार फिर जो है शुरुआत की गई, ऐसे पहले जारी किया गया था बट अब फिर से यहाँ पे दिया गया। इसमें बताया गया कुछ महीने पहले जो है जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों पर जो है भर्ती निकली थी, जो कि आपका कुछ कारण के से उसको रोक लगा दिया गया था और फिर से इसे शुरू किया गया, जो कि आवेदन जो है आपका 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करने की बात कही गई। आवेदन शुल्क जनरल ABC और BC के लिए जो है आपका 1500, SC/ST दिव्यांग के लिए जो है 375 रुपये यहाँ पे लगेगा। लिंक जो है यहाँ पे दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे आप अप्लाई कर चुके होंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो फिर कर लीजिए यार। यहाँ पे उम्मीदवारों को जो है 10वीं पास के बाद इलेक्ट्रीशियन में ITI जो है आपका होना जरूरी है। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखा गया है। एज पर गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन, बिहार सरकार का रिजर्वेशन का रूल्स है, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।